न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर के मेनली बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसकी स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया था मैनुअली तीन पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस चार्ज। सेकंड पार्ट है इसका पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा, और थर्ड पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। अब जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बनती है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसे बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ जाती है उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। बॉन्ड जो यहाँ पर काम बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़ी और आपस में इन्होंने जुड़कर क्या बना दिया न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किसके साथ अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। इन दोनों के मिलने से न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के एक साथ मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप जब आपस में जुड़े तो उनके बीच भी एक बॉन्ड बनता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा काम में इन दोनों एस्टर बॉन्ड बॉन्ड होगा, बंध यहाँ पर पाया जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड होता है तो फॉर्मेशन होता है डाई न्यूक्लियोटाइड का, डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा बॉन्ड को बोलते हैं हम डाई फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई दूसरा पॉली न्यूक्लियोटाइड। डाई में एक और जुड़ेगा उसे बोल देंगे ट्राई, ट्राई में और जुड़ेगा उसे बोला जाएगा टेट्रा। तो लास्ट में पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। बॉन्ड यहाँ पर जो बॉन्ड मिलेगा वो बॉन्ड भी कौन सा वाला होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसके अंदर पाया जाएगा। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली होते हैं टू टाइप्स के, यानी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उनके टाइप कितने हैं, दो। यदि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर मिल रही है, ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसमें डी ऑक्सी राइबोज शर्करा है और ए जी डी सी नाइट्रोजनस बेस है, उसको बोलेंगे हम डीएनए। और ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर राइबोज शुगर है, राइबोज शर्करा पाई जा रही है और ए जी यू और सी नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को किस नाम से जाना जाता है, आरएनए के नाम से उसको जाना जाता है। तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब आरएनए और डीएनए में मेनली देखो डिफरेंसेस क्या क्या हो गए, आरएनए और डीएनए के अंदर डिफरेंस क्या क्या पाया जा रहा है। एक तो आरएनए में, थाइमिन के स्थान पर, टी जो बेस है थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षार उपस्थित होती है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षार या बेस प्रेजेंट होती है। पहला डिफरेंस तो है आरएनए और डीएनए में। आर डीएनए में मिलने वाली बेस है थायमिन
आरएनए में जो पाई जाएगी वो कौन सी बेस प्रेजेंट होगी, यूरेसिल। सेकंड डिफरेंस अभी ऊपर पढ़ा था हमने, जो आरएनए है उसके अंदर राइबोज शुगर पाई जा रही है, आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, जबकि डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जा रही है उसका नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज, डीएनए में थायमिन जो पाया जा रहा है उसकी जगह पर आरएनए में कौन सी क्षार उपस्थित होगी, यूरेसिल बेस या यूरेसिल क्षार इसके अंदर प्रेजेंट है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन बेस हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन यूरेसिल गुएनिन साइटोसिन क्षार हो, राइबो शुगर हो, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आरएनए बोलते हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए इस तरह की स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि आरएनए जो है वो एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन आपस में जुड़ जाती है, बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन मिलेगी, जबकि आरएनए के अंदर कितनी मिलेगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन मिलेगी। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है ना, फर्स्ट वाली है सेकंड वाली है, इसके अंदर जो सिरे होते हैं 5' एंड 5' का नेक्स्ट एंड जो होगा वो ये वाला हिस्सा हो गया 3', ये वाला एंड 3', तो इसका लास्ट जो पार्ट है वो 5'। तो डीएनए में दो सिरे पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं हम 5'-2 3', दूसरे सिरे को बोला जाता है 3'-2 5'। अभी आगे डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इनकी तब, तो हम और इसको समझेंगे। 3' जो है डीएनए का सिरा, वहां पर मैंने कल बताया था हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट होगा। 5' जो एंड है वहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, 5' वाला जो एंड है उस पर वहां पर फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह वहां पर पाया जाता है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक, तो फ्रेडरिक मिशर, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। फ्रेडरिक मिशर ने किया क्या था, एक्चुअल में जो मवाद कोशिका होती है, मवाद सेल उसी को बोलते हैं पस सेल, चोट वगैरह लग जाती है ना तो वहां पर पस प्रोड्यूस हो जाती है, मवाद प्रजनन उत्पन्न होती है, तो उस सेल, ऐसी सेल जिसमें मवाद थी या पस थी, इसके न्यूक्लियस में, मवाद कोशिका के न्यूक्लियस में या केंद्रक में, मवाद कोशिका ली उसके न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित डीएनए की खोज। फ्रेडरिक मिशर ने जो मवाद सेल है उसका डीएनए, उसका न्यूक्लियस निकाला और उसके न्यूक्लियस में डीएनए की डिस्कवरी करने का काम किसने किया, फ्रेडरिक मिशर। अब फ्रेडरिक मिशर ने जो डीएनए निकाला था उसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिशर ने जो डिस्कवर किया था डीएनए, उसको डीएनए नाम नहीं दिया, उसको क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लिन नाम दिया गया था। लेकिन इनकी कमी क्या थी, एक तो इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया, दूसरा फ्रेडरिक मिशर को डीएनए का या उसके अकॉर्डिंग बोले अपन तो न्यूक्लिन का वर्क मालूम नहीं था, न्यूक्लिन का कार्य नहीं पता था। ये डिस्कवरी तो करती, जैसे एक मवाद सेल है ये, इस मवाद सेल में न्यूक्लियस मिल रहा है, इस न्यूक्लियस को इन्होंने बाहर निकाला और इस न्यूक्लियस में इन्होंने किसकी खोज कर दी, न्यूक्लिन। अब न्यूक्लिन नाम देने का भी इनका रीजन था, इन्होंने किसके अंदर ढूंढा, इसे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में ये मिला, केंद्रक में ये मिला, इसलिए फ्रेडरिक मिशर ने इनको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया। लेकिन इन साइंटिस्ट को इसके बारे में ये पता नहीं था कि ये काम क्या करता है, जो केंद्रक अंदर पाया जा रहा है
उसका वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, फ्रेडरिक मिशर को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर एक साइंटिस्ट है आल्टमान, साइंटिस्ट का नाम है आल्टमान। अब ये जो साइंटिस्ट थे, आल्टमान साइंटिस्ट ने निकलिन जो था उसका नाम चेंज करके से नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। फ्रेडरिक मिशर ने नाम दिया था न्यूक्लिन, आल्टमान ने न्यूक्लिन की जगह पर इसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड का। एसिडिक नेचर का होता है थोड़ा, इसलिए इसको कुछ फॉर्म किस नाम से क्या नाम दिया, आल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम इसको इनके द्वारा दिया गया। फिर एक और साइंटिस्ट है अल्बर्ट फॉसल, साइंटिस्ट है हमारे अल्बर्ट फॉसल। अल्बर्ट फॉसल साइंटिस्ट ने क्या बताया, जर्मनी के साइंटिस्ट है ये, इन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड में चार बेसेस पाई जाती है, यानी जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लिक अम्ल में या न्यूक्लिक एसिड में चार क्षारें पाई जाती है। क्षारें वही है जो हमने नाइट्रोजन चार पढ़ी है, डीएनए है तो ए टी जी और सी, यदि आरएनए है तो वो चार कौन सी हो जाएगी, चार ए यू जी और सी। न्यूक्लिक एसिड के अंदर चार नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस क्षारें प्रेजेंट है, ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, अल्बर्ट फॉसेल। अल्बर्ट फॉसेल ने ये डिस्कवरी की थी, इसके बारे में उसने हमें बताया था। तो तीनों साइंटिस्ट का वर्क और काम याद रखना, फ्रेडरिक मिशर सबसे पहले मवाद कोशिकाओं के अंदर या फसेल में डीएनए की खोज की, न्यूक्लिन नाम दी, इसको न्यूक्लिन का काम पता नहीं था। ऑल्टमान ने न्यूक्लिन को ही न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, अल्बर्ट फॉसेल ने न्यूक्लिक अम्ल में चार क्षारे, चार नाइट्रोजन क्षारे प्रेजेंट होती है, इसके बारे में बताया। यदि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो चार नाइट्रोजन क्षारे ये मिलेंगी, ए टी जी और सी। आरएनए है तो उसके अंदर जो क्षारे पाई जा रही है उनके नाम क्या है, ए यू जी और सी। टी की जगह पर यूरेसिल इनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट दो साइंटिस्ट है बिल्किंस और फ्रैंकलिन। बिल्किंस और फ्रैंकलिन, इन साइंटिस्टों ने क्या किया, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए या डीएनए की संरचना को समझने के लिए उसका एक्सरे अध्ययन किया, एक्सरे स्टडी की या एक्सरे अध्ययन किया डीएनए का। डीएनए के एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, किन चीजों से बना हुआ है, इसको जानने के लिए एक्स किरणों का यूज किया और उसकी डीएनए की स्टडी। और एक्सरे अध्ययन के द्वारा इन्होंने ये बताया कि डीएनए एक बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। डीएनए जो है वो एक क्या है, बहुलक या पॉलीमर है। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए डीएनए की एक्सरे स्टडी की और उस एक्सरे स्टडी के आधार पर इन्होंने बताया कि डीएनए एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, डीएनए एक बहुलक संरचना होती है। बहुलक क्या, पॉलीमर का मतलब होता है एक से ज्यादा यूनिट से बनी हुई जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बहुलक या फिर पॉलीमर कहते हैं। इसके बाद ये जो इन्होंने बताया डीएनए की स्ट्रक्चर करके, इन्होंने जो डिस्कवर किया कि डीएनए क्या है, पॉलीमर, इस जानकारी को आधार मानकर या बेस मानकर साइंटिस्ट थे दो, वॉटसन और क्रिक, यानी इनकी जो इन्होंने आगे जो एक्सपेरिमेंट किया वॉटसन और क्रिक ने, उनका बेस क्या था, विल्किंस और फ्रैंकलिन की डिस्कवरी। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए पर एक्सरे का यूज किया और एक्सरे का यूज करके बताया डीएनए पॉलीमर है। इस नॉलेज को आधार मानकर या इस जानकारी को आधार मानकर वॉटसन और क्रिक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत की। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, द्वि कुंडलित
संरचना को प्रस्तुत किया या डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल दिया? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। द्विगुणित संरचना। तो द्विकुंडलित संरचना जो है वो बताने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं? वाटसन और क्रिक। और इन्होंने जो बताया है उसका बेस क्या था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो पॉलीमर स्ट्रक्चर बताई थी डीएनए, उसको आधार मानकर इन्होंने इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया बताया था इन्होंने 1953 में। वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया 1953 में, और इस काम के लिए इनको नोबल प्राइज मिला था 1962 में। इस डिस्कवरी को किया था डीएनए की द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को 1953 में, और इसके लिए इन्हें नोबल प्राइज जो है वो दिया गया 1962 के अंदर, इनको नोबल प्राइज दिया गया था। तो ये इसी की द्विकुंडलित स्ट्रक्चर को हमको पढ़ना है कि इन्होंने जो मॉडल बताया है उसके मेनली पॉइंट क्या क्या है, यानी आगे जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल है डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में उसे हमें पढ़ना है। इससे पहले एक टर्म इसके अंदर और हमें याद रखनी है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में वॉटसन और क्रिक को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर होती है उसमें विशिष्ट क्षार युग्मन मिलता है। विशिष्ट क्षार युग्मन का मतलब क्या है? जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो डबल हेलिक्स होता है ना, इसको खोल के दिखा दिया हमने। अब इनमें बेस पाई जा रही है डीएनए के अंदर, क्षार प्रेजेंट है। जैसे यहाँ एक पर ये है एक स्ट्रैंड, 5' से कौन सा है? थर्ड है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये 5' से 3' है, थर्ड डैश से 5' होगा। यहाँ पर इसमें क्या है? बेस प्रेजेंट है, क्षार प्रेजेंट है। बेस के नाम है, यहाँ है एडेनिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ गुआनिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ जी, यहाँ टी। ये बेस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो डीएनए के अंदर क्या है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में या डीएनए में विशिष्ट क्षार युग्मन मिलता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर विशिष्ट प्रकार का या स्पेशलाइज्ड प्रकार का क्षार युग्मन पाया जाता है, बेस पेयरिंग पाई जाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में स्पेशल टाइप की बेस पेयरिंग या क्षार युग्मन प्रेजेंट होता है। विशिष्ट क्षार युग्मन का मीनिंग ये है, यदि एक जो थ्रेड है, एक जो स्ट्रैंड है, जैसे ये स्ट्रैंड है 5' to 3', इसके यदि बेस हमें पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड के बेस को या दूसरे रज्जू के बेस को बता सकते हैं, क्योंकि एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और गुएनिन हमेशा किसके साथ बनाएगा? साइटोसिन। जैसे यहाँ एडिनिन है तो यहाँ पर हमेशा कौन सी बेस आएगी? थाइमिन। यहाँ थाइमिन है तो यहाँ कौन सी बेस आएगी? एडेनिन। जी है तो क्या आ जाएगा? साइटोसिन। सी है तो क्या, कौन सी बेस होगी? गुआनिन। जी है तो साइटोसिन, टी है तो ए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या डीएनए के अंदर विशिष्ट क्षार युग्मन पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड बेस पेयरिंग मिलती है। यदि एक स्ट्रैंड के बेस हमें पता हो, ये एक स्ट्रैंड है ना 5' से 3', ये स्ट्रैंड, इस स्टैंड के बेस यदि हमें पता है तो दूसरे स्टैंड के बेस हम बता सकते हैं। इसे बोलते हैं बस विशिष्ट क्षार युग्मन या स्पेशलाइज्ड बेस पेयरिंग, इसको बोला जाता है। इसके अंदर ये मेन जो स्पेशलाइज्ड बेस पेयरिंग प्रेजेंट है, इसका मीनिंग है कि एक बेस पता है एक स्टैंड की तो दूसरे की हम बता सकते हैं। जैसे ये है कोई एक डीएनए, अब इसमें बेस है हमारे पास टी सी जी ए जी टी, 5' to 3', ये है तो 3' to 5' हमको बतानी है। सिंपल सा इसका तरीका, टी के साथ क्या आएगी? ए। टी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ टी, जी के साथ सी, टी के साथ क्या आएगा? ए। इसे ही हम विशिष्ट क्षार युग्मन या स्पेशलाइज टाइप की क्या बोलेंगे? बेस पेयरिंग इसको बोला जाता है। अब वॉटसन और क्रिक ने जो द्विकुंडलित मॉडल दिया, उस मॉडल के बारे में हमें स्टडी करनी है कि वॉटसन और क्रिक ने किस तरह का मॉडल इसमें प्रेजेंट किया है। इसके अंदर
इसमें देखो सबसे पहला तो क्या है, वॉटसन और क्रिक का मॉडल हम पढ़ रहे हैं, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, द्विकुंडलित डीएनए की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। अब दो श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, एक जो श्रृंखला है वो तो है 5', एक जो चैन पाई जा रही है वो कौन सी है, 5'। इसका जो ये वाला एंड है, ये वाला एंड, ये हो गया 3'। दूसरी जो चैन पाई जा रही है यहाँ पर, ये होगी 3'। और ये वाला जो हिस्सा है इसका दूसरा एंड क्या होगा, 5'। दो टाइप की चैन इसके अंदर प्रेजेंट है, दो टाइप की चैन इसके अंदर हमें दिख रही है। द्विकुंडलित डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, एक 5' से 3', और दूसरी कौन सी, 3' से 5' जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। वॉटसन क्रिक मॉडल का वॉटसन क्रिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट क्या है, डीएनए द्विकुंडलित डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, द्विकुंडलित डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। दोनों दिख रही है हमको, दोनों श्रृंखलाएं, एक 5' से 3', दूसरी 3' से 5', दोनों श्रृंखलाएं किससे बनी हुई है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड पॉइंट, ये जो श्रृंखलाएं हैं, दोनों श्रृंखलाएं, इनके बेस का निर्माण या फिर इनके आधार का निर्माण, श्रृंखलाओं के बेस या आधार का निर्माण फॉस्फेट और शर्करा द्वारा किया जाता है। पढ़ा था ना हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, एक पेंटोज शुगर और एक कौन सा पढ़ा था, फॉस्फेट में। तो इसका बेस, पूरा जो आधार है, बेस वाला पार्ट जो है श्रृंखलाओं का, वो फॉस्फेट के द्वारा और किसके द्वारा बनाया जाता है, शुगर के द्वारा। शुगर होती है पेंटोज, तो शुगर के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। तीसरा, इन श्रृंखलाओं में अंदर की ओर, यानी बेस पार्ट बना दिया, माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। इन श्रृंखलाओं में किताब का एमएक्स पटको तो अपनी खार दवा इन श्रृंखलाओं के अंदर की ओर सर, ये कौन क्या कर रहा है, ये माइक ऑफ कर और ये और बंद करो, ये माफ कर रहा निशांत, यस सर, तो ये माफ मत करो बीच बीच में यहाँ पर। अब देखो, इन श्रृंखलाओं में पहला तो है हमारा कि द्विकुंडलित डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है, दोनों चेन जो दिख रही है हमें। दूसरा, इसके बेस का फॉर्मेशन, इसके आधार का जो निर्माण है या बेस का फॉर्मेशन फॉस्फेट के ग्रुप के द्वारा और शर्करा के द्वारा होगा। इन श्रृंखलाओं के अंदर, यानी बेस तो जो हमने बनाया ना, ये बेस दिख रहा है, इस बेस को बनाने वाला पार्ट है एक फॉस्फेट शुगर और शर्करा, इन्होंने इसका बैकबोन बना दिया, बेस बना दिया है या फिर आधार बना दिया है। इन श्रृंखलाओं में जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अंदर की ओर पाए जाते हैं, इन श्रृंखलाओं में अंदर की ओर नाइट्रोजिनस क्षार या नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होंगे। ये जो श्रृंखलाएं दिख रही है इनके अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजिनस क्षार इसके अंदर प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट बेस है हमारी ए टी जी सी, फिर आ गया ए, तो ए के साथ अभी हमने पढ़ा है, ए के साथ हमेशा क्या आएगा, टी
टी के साथ क्या आएगा ए, बी के साथ क्या आएगा सी, सी के साथ जी और ए के साथ क्या आएगा टी। इस तरह से बेस प्रेजेंट होंगे। दूसरे स्टैंड के अंदर भी हम देखें, इसमें दूसरे वाले पार्ट के अंदर, अब यहाँ मान लो है टी, तो टी के साथ कौन सी बेस आएगी ए, सी, सी के साथ कौन सी आ जाएगी जी, जी है तो उसके साथ सी बेस, ए है तो उसके साथ टी बेस आ जाएगी, और लास्ट सी है तो उसके साथ हो गई जी बेस। टी के साथ जो बेस या चार आएगी वो कौन सी है, तो नाइट्रोजिनस बेस जो है वो इन श्रृंखलाओं के अंदर की ओर प्रेजेंट है। नाइट्रोजिनस चार जो है इन श्रृंखलाओं में अंदर की ओर पाए जाते हैं, और इसका जो बेस जो है, ये बेस ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो बना रखा है, इस बेस को बनाने वाले जो है फॉस्फेट ग्रुप है और शुगर है। फॉस्फेट ग्रुप और शुगर इस बेस को बनाने का काम करती है, इस बेस को क्या करती है, फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, चार जो है या बेस जो है उनमें हमको चार तरह की बेस मिलेगी। भाई डीएनए पढ़ रहे हैं तो बेस कितनी टाइप के, चार, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन जो बेस है वो थायमिन के साथ जुड़ी रहती है, और गुआनिन बेस जो है वो किसके साथ जुड़ेगी, साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, दो, जबकि गुएनिन और साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो बेस प्रेजेंट है उनमें एडेनिन और थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड और गुएनिन और साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर हम इनको दिखाएं ए और टी, ए और टी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, दो, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी है तो जी और सी के बीच में तीन, सी और जी उनके बीच में कितने मिलेंगे, तीन, ए और टी दो हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए दो हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी तीन, जी सी है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी के बीच दो, और सी और जी है तो इनके बीच कितने मिलेंगे, तीन हाइड्रोजन। तो फोर्थ पॉइंट जो है इनकी स्ट्रक्चर का, क्षार जो अंदर की तरफ पाई जा रही है या बेस जो अंदर की तरफ पाई जा रही है, इन बेसों में एडिनिन और थायमिन ए व टी के बीच, ए व टी के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि गुएनिन व साइटोसिन के बीच, गुएनिन और साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ए और टी के बीच, एडेनिन थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी इनकी सहायता से जुड़े रहते हैं। एडेनिन और थायमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे, और गुएनिन और साइटोसिन जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस कुंडली की स्ट्रक्चर को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कुंडली की संरचना को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या इनके द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, स्थायित्व प्रदान किया जाता है, स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये जो बॉन्ड है अभी, ये डीएनए है हमारा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा ऐसे पाए जा रहे हैं, इस तरह से बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस द्विकुंडलित स्ट्रक्चर को या कुंडलित संरचना को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, या स्थिरता देने का काम इनके द्वारा किया जाता है। स्टेबिलिटी दे रहे हैं ये, या फिर इसको क्या दे रहे हैं, स्थिरता प्रदान करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका, वॉटसन क्रिक मॉडल का, कि जो डीएनए है या द्विकुंडलित संरचना में जो डीएनए के दोनों रज्जू हैं या स्ट्रैंड हैं वो प्रति समानांतर होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड
समानांतर या एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल वर्ड का मीनिंग क्या है? एक स्ट्रैंड यदि 5 डैश से कहाँ है, थर्ड डैश, एक स्ट्रैंड है 5 डैश से थर्ड डैश, तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा, थर्ड डैश से कौन सा होगा, 5 डैश की पोजीशन में ये पाया जाएगा। जैसे इस वाले स्ट्रैंड को हम देखें, दूसरे उसको हम बना के देखते हैं एक बार। प्रति समानांतर का मीनिंग क्या है, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, अब ये स्टैंड है 5 डैश, इस स्टैंड का नेक्स्ट पार्ट जो है ये हिस्सा हमको जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा होगा, थर्ड डैश। ये स्टैंड है, यहाँ थर्ड डैश पाया जा रहा है, तो इस स्टैंड का नेक्स्ट पार्ट जो पाया जा रहा है वो कौन सा होगा, 5 डैश। यानी डीएनए के दोनों स्टैंड, एक यदि 5 डैश से थर्ड डैश है तो दूसरा कौन सा होगा, थर्ड डैश से 5 डैश होगा। इसे बोला जाता है प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल स्टैंड, एंटी पैरेलल स्टैंड इनको बोला जा रहा है। तो डीएनए के जो दोनों स्टैंड है वो कैसे पाए जा रहे हैं, प्रति समानांतर रूप से प्रेजेंट है या एंटी पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक स्टैंड यदि 5 डैश से थर्ड डैश है तो दूसरा स्टैंड जो है उसकी दिशा क्या होगी, थर्ड डैश से 5 डैश होगी। इसे हम एंटी पैरेलल नेचर या प्रति समानांतर प्रकृति के नाम से इसको जानते हैं, इनके रज्जु स्टैंड प्रति समानांतर है। नेक्स्ट जो डीएनए की स्ट्रक्चर हमको दिख रही है इसमें इसका जो डायमीटर है, यानी यहाँ से डीएनए स्ट्रैंड का डायमीटर या व्यास 34 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। इसका व्यास जो है वो कितना एंगस्ट्रॉन्ग पाया जा रहा है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग। अब डायमीटर वर्ड का मीनिंग क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये वाला, ये इसकी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक डीएनए स्ट्रैंड की जो चौड़ाई है ये इसका डायमीटर कहलाता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग। जैसे डीएनए है, इसमें सर ये जो क्या एंगस्ट्रॉन्ग है, क्या कह रहा है, ये 34, आवाज चौंतीस के नहीं आ रही बाद ये तेरी? एंगस्ट्रॉन है। हाँ, 34 एंगस्ट्रॉन्ग, 10 की पावर -10 मीटर। तो ये जो 34 एंगस्ट्रॉन्ग है हाँ ये सर, डीएनए स्ट्रैंड की चौड़ाई है, यानी डीएनए कुंडली का व्यास जो है वो कितने एंगस्ट्रॉन्ग पाया जा रहा है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है। डीएनए के एक कुंडली में, यानी यहां से यहां तक की अपन बात करें तो 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये देखो यहां से हम काउंट करें, ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक इसका एक कुंडली पाई जा रही है। एक्चुअली 34 एंगस्ट्रॉन्ग डायमीटर नहीं होगा, है ना, डायमीटर की जगह यहाँ करना लंबाई, 34 एंगस्ट्रॉन्ग है लंबाई, डीएनए की एक कुंडली की लंबाई 34, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग। 34 एंगस्ट्रॉन्ग की एक कुंडली है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 34 एंगस्ट्रॉन्ग, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ही खत्म हुई। एक कुंडली में 34 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी लेंथ है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है इसमें, देखो 1 2 3।